काशी के सांसद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। देश और दुनिया की नज़र राजधानी दिल्ली पर बनी हुई है। 9 जून को शाम तकरीबन 7:15 बजे वह शपथ लेंगे। ऐसे में जो मेहमान हैं, चाहे वो भारत के हों या पड़ोसी देशों के हों, वो अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। काशी के भी धर्माचार्य पहुँचेंगे प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद देने के लिए और तीसरे काल के लिए शुभकामनाएँ देने के लिए। हमारे साथ अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी जुड़े हैं, जो अभी रवाना हो रहे हैं राजधानी दिल्ली के लिए। हम उनसे बात करेंगे। स्वामी जी, क्या कुछ खास संदेश रहेगा आज शपथ ग्रहण समारोह में आप शामिल होने जा रहे हैं? कोरोना काल के बाद दुनिया के जिन देशों में चुनाव हुआ, उसमें रूस को छोड़कर के बाकी किसी देश का तत्कालीन सत्ताधीश सत्ता में नहीं लौटा। वो चाहे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो, परंतु इन सारे संघर्षों के बीच भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती कहिए कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सत्ता में वापस लौट रहे हैं, इस बात की सनातन धर्मावलंबियों को और मैं विशेष तौर से बाबा विश्वनाथ की कृपा का प्रसाद कहूँगा कि काशी का सांसद, काशी का पुत्र, और अब तो उनके लिए एक शब्द चला है, भागीरथी नंदन। ये शब्द है नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और हम सभी संत देश भर से जो प्रमुख लोग पहुँचे रहेंगे, वो नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। गुरु जी, काशी की बात कर लें तो तीसरी बार उन्होंने लगातार जीत हासिल की है, ऐतिहासिक मत उन्होंने प्राप्त किया है। क्या कहेंगे काशी वालों के लिए, यह कितना एक गर्व की अनुभूति? सनातन धर्म की यह वैश्विक राजधानी है और अब राजनीति की दृष्टि से भी प्रधानमंत्री, जिन्होंने स्वयं को माँ गंगा का पुत्र बताया, तो काशी के बुद्धिजीवियों ने, विद्वत परिषद ने, संतों ने उन्हें भागीरथी नंदन की उपमा से सराहा है। तो स्वाभाविक है कि बाबा विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्णा और माँ गंगा के इस पवित्र भूमि काल भैरव के आशीर्वाद से जब नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे तो काशी वालों को प्रसन्नता क्यों नहीं होगी। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि वोटों के मार्जिन को लेकर के, तो यह सच है कि हिंदू समाज इस भ्रम में कि मोदी तो जीतेंगे ही जीतेंगे, उसने बड़ी मात्रा में वोटिंग नहीं की और विधर्मियों के वोट, हिंदू विरोधियों के वोट एक जगह केंद्रित हो गए। बात इतनी सी थी, वोट ज़्यादा नहीं है उनके, ये इतने वोट विरोध में मोदी जी के पहले भी पड़े थे, आज भी पड़े हैं, परंतु पक्षधर वोटर सो गए बड़ी मात्रा में। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा और मुझे लगता है इस बात का आभास और अपराध बोध हम सभी को है, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, इसका विश्वास भी है। गुरु जी, एक अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? अगर हम एक संत के तौर पर जाने या काशी के धर्माचार के तौर पर जाने, तो उनके तीसरे कार्यकाल से क्या अपेक्षाएं हैं? हमसे कम समझ धर्म के विषय में और राष्ट्र के विषय में नरेंद्र मोदी को नहीं है। अगर किसी समय के धुर विरोधी नीतीश कुमार जी हों या चंद्रबाबू नायडू हों या अन्यान्य जो राजनीतिक लोग हैं, वह कहते हैं कि मोदी जी तीसरे कार्यकाल में भारत के स्वाभिमान और गौरव को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी आप करेंगे उसके पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं, तो यही वाक्य इस देश का धर्माचार्य भी कह रहा है कि सनातन धर्म के सारे सर्वोच्च धर्माचार्य कि मोदी जी इस राष्ट्र के और धर्म के गौरव के लिए, अभिवृद्धि के लिए आप जो कुछ भी करेंगे आपके पीछे हम चट्टान की तरह खड़े हैं, और ये हम सबका सौभाग्य होगा हम आपके साथ सहयोग कर सके। तो प्रधानमंत्री मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए आशीर्वाद देने के लिए अब काशी के धर्माचार्य भी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। ऐसे में अब नज़र रहेगी राजधानी दिल्ली पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।